भाई कुछ भी कहो यार, पानी बहुत ठंडा हो रहा है तेरी। क्या मछली होगी भाई? ये क्या है गाइस, मैंने बहुत तगड़ी मछली पकड़ ली है। हे हाय हेलो, वेलकम टू आरिफ 707 ब्लॉग्स। तो गाइस फिलहाल अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी इस टाइम पे हम हैं कालाढूंगी एरिया में और ये देख सकते हो आप चारों तरफ कालाढूंगी के जंगल। तो आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए हम आज अपने घर से बाहर निकल आए हैं और आज हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट वाटरफॉल। इस टाइम पे है रामनगर रोड पर, ये है देखो हल्द्वानी से आने वाला रोड, ये हल्द्वानी से आ रहे हैं और अभी हम इस साइड जाएंगे। ये रोड सीधा रामनगर के लिए जा रहा है और यही रोड कॉर्बेट फॉल की तरफ जाएगा, तो हमको अभी इसी रोड पर हम चलेंगे आगे। अभी हम कॉर्बेट फॉल आ चुके हैं, तो ये मेरे सामने रहा कॉर्बेट फॉल। अब इसको कॉर्बेट फॉल और इको पार्क भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे और फिर अंदर जाके वाटरफॉल है 2 किलोमीटर यहाँ से, तो फिर पहले अभी एंट्री करते हैं, टिकट कटाते हैं, फिर चलते हैं। UP 25 CD ₹50 इसका, ₹50 मेरा और ₹50 बाइक का काटा है नहीं, तो कुल मिला के हमारे ₹150 गए हैं। ठीक है, फिलहाल आपने मेरे पीछे बोर्ड देख लिया होगा कि जिम कॉर्बेट वाटरफॉल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। फिलहाल हमने जिम कॉर्बेट वाटरफॉल का टिकट ले लिया है और यहाँ से जिम कॉर्बेट वाटरफॉल अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर है, तो अभी हम 2 किलोमीटर पहले बाइक से चलेंगे। फिलहाल अभी हम जिम कॉर्बेट वाटरफॉल जा रहे हैं और अभी यहाँ से जो दूरी है वो लगभग 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर ये बिल्कुल घने जंगलों का रास्ता है। आप देख सकते हो मेरे आगे फिलहाल ये भयानक और घना जंगल है और यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा है, तो शाम के टाइम यहाँ पे एंट्री नहीं होती है, फिलहाल दिन में अभी एंट्री है। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ और साथ में मेरे पीछे असद है, देख रहे होंगे। ओके, तो मैं और असद दो लोग साथ में जा रहे हैं। फिलहाल अभी हम जो है वो नेक्स्ट लेवल ट्रिप कर रहे हैं और हमारा देखो आप ये एडवेंचर्स देखिए, यहाँ तो बिल्कुल इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा है भाई। तो ये देख सकते हो भाई बहुत ही खतरनाक जंगल है और अभी हम जिम कॉर्बेट वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। देखो यहाँ से हम टोटल जो है वो ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। और गाइज हमने अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है, यहाँ पार्किंग एरिया है, फिर यहाँ से जो है वो ट्रैकिंग का रास्ता है और अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर शायद हमें अभी और अंदर जाना है, उसके बाद वाटरफॉल आएगा। ये देख सकते हो गाइस कितना खूबसूरत व्यू है, कैसा लग रहा है अभी असद भाई? बहुत मस्त आ रही है, मज़ा आ रहा है। जगह भी जो है बड़ी सुनसान है, बड़ी शांत जगह है, जगह में भी घूमने में मज़ा आ रहा है भाई। जंगल बहुत मस्त है, कुछ भी हो है नी जगह है ये। तो गाइस लगभग 15 मिनट हो चुके हैं हमको पैदल चलते हुए और अभी तो वाटरफॉल नहीं आया है, तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा दूर है और शायद आने वाला है वाटरफॉल। तो गाइस वाटरफॉल आने वाला है और अभी हम आपको दूर से वाटरफॉल का व्यू दिखाते हैं। वो है शायद आपको दिख पा रहा हो, यहाँ से वो रहा वाटरफॉल और वहाँ तक अभी हमें जाना है, तो काफ़ी अभी आप देख रहे होंगे वो सामने वाटरफॉल है। ये देखो इधर साइड आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।
बहुत आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे घर से गोरे निकले थे और यहाँ पे आके काले हुए। फिलहाल अभी हम वाटरफॉल के पास बैठे हुए हैं, वाटरफॉल का भी नज़ारा आप देख सकते हैं। हेलो, तो भाई अंदर जाने का कोई सीन है ही नहीं, सारा मैट से कवर कर रखा है। तो फिलहाल हम लोग बाहर ही बैठे हुए हैं और यहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो फिलहाल गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और जो वाटरफॉल है वो तो जैसा भी है ठीक ही है, बट मेन चीज़ ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ रही है। तो गाइस फिलहाल हम अब यहाँ से निकल गए हैं, वाटरफॉल के पास से हम निकल चुके हैं और अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और वहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी है, वहाँ पानी के थोड़े शॉर्ट्स लेंगे और पानी में अगर जाने का होगा तो जाएंगे थोड़ी सी डुबकी। फिलहाल अभी यहाँ से हम लोग रिटर्न मार रहे हैं थोड़ा सा पानी। तो पहले यहाँ पे सुना जाता है, पहले यहाँ नहाने का भी था, बट अब थोड़ा नहाने का सीन खत्म हो गया है यहाँ से, क्योंकि चारों तरफ मैट लगा दी है तो यहाँ नहा नहीं सकते हम लोग, वरना यहाँ नहाने का होता तो नहाते भी। पानी में चले पक्का? फिलहाल अभी हम पानी में जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा पानी है यहाँ पे देख सकते हो। अरे मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा ही पानी उसी से काम चला ले रहे हैं, है नी? चलें तैरी भी हो रही है। कुछ भी हो यार, पानी बहुत ठंडा हो रहा है तेरी मछली होगी भाई। ये क्या है? ये सांप का इलाका है, सांप का ही घर है ये। तुम उसे घर में होते हैं सांप के, सांप कह के मारेगा नहीं कह के काटेगा यार। लेकिन मिट्टी में ही मजा आ गया। एक काम कर, डुबकी लगा ले इसी में तू। अरे नहीं, ये जो अभी मिल रहा है ना, थोड़ा सा सुकून देता है, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा सुकून है। सुकून के पल थोड़े से ढूंढ लिए हमने जबरदस्ती। गाइस छोटी छोटी मछलियाँ जो है वो पैरों में टकरा के जा रही हैं। मछलियाँ जो है वो पानी में काफी गुदगुदी कर रही हैं और ये हमसे खेल रही है। बताओ, एक तो वैसे ही हमें साला नहाने को नहीं मिला और हमसे मजाक और ऊपर हमारे साथ खेल। टोटल मार की बात ये है कि वाटरफॉल जो है वो काफी मस्त है, अच्छा है वाटरफॉल। बाकी ज्यादातर तो हमने देखे हैं वाटरफॉल पहाड़ वहाड़ में, हमारे आसपास में जो है वो छोटे छोटे नाले टाइप के लगते हैं, बट ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब नाला टाइप नहीं है, तो काफी अच्छा वाटरफॉल है। तो कुल मिला के आप यहाँ पर आ सकते हो, बहुत बढ़िया जगह है। 50 रुपये का टिकट है पर हेड, और तो हम दो लोग आए तो हम दो लोगों के 100 रुपये गए और 50 रुपये बाइक के गए, यानी कि टोटल मार के 150 रुपये गए हम दोनों लोग। जो हल्द्वानी से बाहर रहते हैं, उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, तो वो लोग तो इस पर्टिकुलर जगह घूमने स्पेशली आएंगे नहीं। अगर हाँ वो नैनीताल वगैरह आ रहे हैं घूमने के लिए, या फिर और जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो यहाँ पर देखने आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, इस जगह को भी कवर करके जा सकते हैं। अगर आप हल्द्वानी और उसके आसपास के एरिया में रहते हैं, तो अगर आपने ये जगह नहीं देखी है तो भैया टाइम निकाल लो, थोड़ा बहुत घूम भी लो। गाइस मैंने बहुत तगड़ी मछली पकड़ ली है, बहुत ही बड़ी मछली पकड़ी है, ये देखो। अरे ये क्या है भाई? देखो गाइस कितने सारे लंगूर हैं, ये लंगूर की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो गाइस फिलहाल हम वाटरफॉल पूरा देख के और घूम के और पानी में काफ़ी एंजॉय करके मस्ती करके, तो फिलहाल अभी हम बाहर आ चुके हैं और अभी अब हम घर जाने की सोच रहे हैं यहाँ से। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से घर के लिए निकलते हैं, तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे और सीधे यहाँ से घर निकल जाएंगे। वाटरफॉल बहुत मस्त है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, और गर्मी तो वैसे भी पड़ ही रही है, और दूसरी चीज़ ये है यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, और काफ़ी मतलब जो वन है यहाँ पे, जंगल है ना, वो बहुत खूबसूरत है और काफ़ी घने जंगल हैं। तो 500 मीटर का जो ट्रैकिंग का रास्ता है वो भी काफ़ी मस्त है, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आएगा अगर आप यहाँ पे आओगे। अगर आप हल्द्वानी के आसपास रहते हैं तो एक बार ज़रूर आइए, तो आपको ये जगह ज़रूर देखनी चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए एक बार। और ठीक है, टाइम निकाल लो, घूम लो यार, थोड़ा सा क्या रखा है लाइफ में, थोड़ी मस्ती भी करनी चाहिए। तो गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे, जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल गाइज, बाय। रास्ता क्लोज हो जाएगा। अरे पकड़ पकड़, जल्दी जल्दी जल्दी। भाई वो लोग रहते हैं। अरे कैमरे को पीछे को ऊपर को मूव कर रहा है। ओहो हो। अरे मुड़ी भैया। अरे